संभल में पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से निकाली गई जागरूकता रैली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। साथ ही संभल में पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हुए श्रद्धांजलि की अर्पित महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की कही गई बात। दूसरी तरफ संभल जिले के नोडल अधिकारी बीराम शास्त्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य केंद्र के सभी कामों के लिए जानकारी। एक बार फिर किसान की मौत पर प्रशासन की लापरवाही आई सामने। संभल में खेत पर पानी लगाने गए युवा किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। संभल से उवैश दानिश की रिपोर्ट। हरियाणा के पुनहाना में रोल मॉडल प्रोग्राम के दौरान डिंपल और दो अन्य गांव की लड़कियों को बीईओ के द्वारा रोल मॉडल के रूप में किया गया सम्मानित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर किया गया लोगों को जागरूक। हरियाणा से संदेश कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर में निराली स्वरोजगार समूह ने सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश मिश्रा के साथ लोगों को किया पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के लिए जागरूक व प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के कैरी बैग का प्रयोग करने की कही बात। लखीमपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने किया सराहनीय कार्य। गंगा भागीरथी को स्वस्थ बनाने हेतु पॉलीथीन पर लगाई रोक। घाटों के जीर्णोद्धार कराए जाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कन्नौज से रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। एटा के कस्बा आवागढ़ में जैन समाज के द्वारा दीक्षा लेने जा रहे जैन मुनि की निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। एटा से राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज़ और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।